किसी भी शहर और कस्बे की रौनक वहां की सड़कें बढ़ा देती हैं, लेकिन कोटपुतली में देखेंगे तो हालत आपको बिल्कुल उलट नजर आएंगे। सड़क के नाम पर केवल आपको गहरे गड्ढे और धूल मिट्टी नजर आएगी। दरअसल कोटपुतली जिला बनने की कतार में और दावा भी किया जा रहा है, जिसको लेकर प्रदेश भर में सियासत भी गरमाई हुई है। विधायकों से लेकर मंत्रियों तक के नए नए बयान रोज सामने आ रहे हैं, लेकिन एक बार कोई कोटपुतली जीरो ग्राउंड पर आकर देख ले जरा, इस शहर के हालात कैसे हैं। यहाँ के लोग इतने परेशान हैं कि इनकी सुनने वाला तक कोई नहीं है। शहर में आपको मुख्य मार्गों पर सड़क नाम की कोई चीज नजर नहीं आएगी, अगर आएगी भी तो गहरे गड्ढे और धूल से भरी ये सड़कें। इस रिपोर्ट में देखिए हालात क्या हैं। कोटपुतली की सड़कों का हाल आप अपनी आंखों से देखें। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। धूल और गड्ढे के अलावा आपको इन सड़कों पर कुछ दिखाई नहीं देगा। सड़कों की इस दुर्दशा से सभी परेशान हैं, खासकर उन नन्हे बच्चों के लिए ज्यादा दिक्कतें होती हैं जो स्कूल जाते समय आए दिन गहरे गड्ढों में गिरकर चोटिल हो जाते हैं। इसकी वजह से जाम का सामना करना पड़ता है। ऐसे हाल में बच्चों का भी कहना है कि यहाँ की सरकार को इन सड़कों को सही करना चाहिए ताकि वे आसानी से स्कूल जा सके। कोटपुतली की सरकार को ध्यान देना चाहिए, रोड पे अच्छे सीमेंट से अच्छे ढामे से रोड बनना चाहिए। ये तो बहुत खराब है और इससे सारे इसके लोग गिर सकते हैं, कई हादसे हो सकते हैं, तो इससे ना ध्यान देना चाहिए सरकार को। 3-4 महीने से ये है अभी तो फिलहाल। मैं अभी आया हूँ, 3-4 महीने सही होना चाहिए। कोटपुतली की सड़कों पर पैदल हो या गाड़ी से यहाँ चलना इतना आसान नहीं है। हालांकि पैदल, साइकिल और बाइक वाले तो किसी तरह निकल जाते हैं, लेकिन छोटी गाड़ियों को अधिक दिक्कतें होती हैं। इनके चैम्बर टकरा जाते हैं, इससे गाड़ियों को भारी नुकसान होता है। स्कूल बसें तो गड्ढों में खराब हो जाती हैं, तो ब्रेक डाउन कर रास्तों में खड़ी करनी पड़ जाती है। इस रोड से हमारे को 20,000 का नुकसान हुआ है, कोई इसकी सुनाई नहीं कर रहा, देख ही नहीं रहा, बताओ क्या हालत है। ये शिकायत कर रखी है मैंने नगर पालिका में, इनको सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई कुछ भी नहीं है। यहाँ रोज परेशानी रहती है, बहुत दुखी हो जाते हैं, कभी कभी तो जाम भी लग जाता है यहाँ। इतना ही नहीं, कोटपुतली की सड़कें ठीक नहीं हुई हैं, रास्ते सही से चौड़े नहीं किए गए, अतिक्रमण हटाने के नाम पर शहर में तोड़ फोड़ पूरी कर दी गई, यहाँ तक कि रोड का मेजरमेंट भी सही नहीं हुआ। उससे पहले शहर के बीचों बीच ऊंचे ऊंचे डिवाइडर बना दिए गए। पहले ही लोग टूटी फूटी सड़क और धूल मिट्टी से परेशान थे, ऊपर से डिवाइडर और बनाकर चारों तरफ से कोटपुतली को ब्लॉक कर दिया गया है। हालात ऐसे हैं, पहले भी सड़कों की दशा जगह जगह पानी भरा करता था और नगर पालिका पहले भी ध्यान नहीं दिया करती थी और अब तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देती है नगर पालिका। नगर परिषद बनने से नगर परिषद से बहुत सी उम्मीदें थी कि साहब शहर का विकास होगा, उत्थान होगा, लोगों को राहत मिलेगी, व्यापार बढ़ेगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा काम हो गया। नगर परिषद बना है तब से कोटपुतली के रास्ता की बड़ी बुरी दशा है। कोटपुतली के रास्ते के हाल है कि लोगों के मकान तोड़ दिए गए अतिक्रमण बता करके, लेकिन आज तक रास्ते में डिवाइडर लगा के और बुरा कर दिया गया। बता दें कि पुतली मोड़ से पंचायत समिति के बीच करीब 4 से 5 साल पहले गौरव पथ बनाया गया था, जो पहले दिन से अपने अस्तित्व को खो बैठा था। काफी लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन ठेकेदारों और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की मिलीभगत से गौरव पथ का निर्माण कर दिया गया। लेकिन आज के हालातों को देखें तो एएसपी कार्यालय के पास गौरव पथ पर गहरे गड्ढे बने हुए हैं और ये हालात करीब 6 महीने से हैं। ऐसा नहीं है कि पीडब्ल्यूडी और नगर परिषद को इसकी जानकारी नहीं है, जानकारी होने के बावजूद भी कोई सा विभाग काम करने को तैयार नहीं है, बल्कि एक दूसरे के माथे काम का ठीकरा फोड़ रहे हैं। हालांकि नगर परिषद के आयुक्त फतेह सिंह मीणा ने बताया कि गौरव पथ पर नाले की सफाई का कार्य शुरू कर दिया गया है और जल्द ही कोटपुतली की मुख्य सड़कों पर सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। नगर पालिका का नाला है वहाँ पर, नाले अगर मरम्मत कर देते ठीक कर देते तो ठीक कर देंगे सड़क में।
अब उसको बस ये हमारी तरफ से तैयार हम सब, हमारी तरफ कोई समस्या नहीं, अगर वो ठीक कर देते हैं तो हम तो कल ही ठीक कर देंगे। माननीय उपखंड अधिकारी महोदय ने भी मीटिंग ली थी, जो उसमें भी हमें निर्देश दिए थे, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि एक्चुअली समस्या आ रही है, नाला बहुत पुराना है और लेवल की समस्या है, तो पानी क्या रुक जाता है वहाँ पर, तो इसके लिए अब हम जल्दी जो भी बोर्ड मीटिंग होगी उसमें प्रस्ताव लेकर के एक तो नया नाला हम बनवा रहे हैं वहाँ पे, और चूंकि पीडब्ल्यूडी काम कर सके इसके लिए हमने जो आज से सफाई का काम भी वहाँ पे चालू करवा दिया है। आज जिस तरह के हालात कोटपुतली में बने हुए हैं उससे नहीं लगता कि शहर को किसी श्रेणी में रखा जा सकता है। बात करें रैंक की तो आज की स्थिति को देखते हुए इसे कोई जीरो रैंक भी ना दे, ऐसे में लगता है कि कोटपुतली में विकास कार्य सब भगवान भरोसे है। यहाँ पे जो आने जाने वाले राहगीर हैं, उनकी हालत रोजाना कहीं ना कहीं गिरने से खराब होती है, खासकर जो स्कूली बच्चे हैं उनकी ज्यादा हालत खराब होती है, क्योंकि साइकिल से स्कूटी से वो रोजाना गिरते रहते हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं, सड़क की को सुध लेने वाला कोई अधिकारी या कर्मचारी नहीं सामने आया है। पीडब्ल्यूडी कहती है कि ये नगर पालिका की जिम्मेवारी है, नगर पालिका कहती है कि पीडब्ल्यूडी की है, दो विभागों के बीच में फंसा ये सड़क मार्ग, देखना होगा कि इसको कौन सा विभाग इसको ठीक कर पाता है या फिर इसकी हालत ऐसी ही बनी रहेगी। अमित यादव, जी मीडिया, कोटपुतली। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।